सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। अभी बज रहे सुबह के 9:30 और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अभी जाना है काम पे, वो ज़रूरी काम है। फिर उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे नैनीताल को, फिर घूमेंगे हम, है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए प्लान ऐसे है, जिस काम के लिए आए थे पहले करेंगे। पूरी बॉप रे, मैं आप लोगों को बाहर का भी दिखाती हूँ सबसे पहले। तो ये रहा बाहर का व्यू, बहुत ही सुंदर। पता नहीं मेरे को यहाँ से ऐसे फील आ रहा, जैसे ना वो जो इधर दिख रहे हैं वो वाले बॉल्स हैं जिसको अंदर जाते हैं पानी के अंदर और वो फ्लोटिंग करता है, मतलब कुछ इस तरह का। मैंने ये देखा था, ये फेसबुक पे बच्चे कर रहे थे ऐसा कुछ, इसके अंदर जाते हैं और ये अपने आप पानी में छोड़ देते हैं वो लोग। ये वो है शायद से, शायद नहीं हुई है। और ये रहा, और ये आ गया है नाश्ता, परांठा, इसमें पोहा है। सो अभी हम जा रहे हैं सात ताल, और छोटी छोटी सी गलियाँ यहाँ पे, बड़ी सुंदर सुंदर सी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको सात ताल, मतलब मुझे ऐसे भूला गया वहाँ पे कि सात ताल इकट्ठे हैं वहाँ पे। तो अभी देखते हैं क्या है वहाँ पे। और यार सच्ची में घर बहुत सुंदर बनाया हुआ है यहाँ पे लोगों ने, बहुत सुंदर। हनुमान है, राम, सीता, लक्ष्मण और भरत है। गरुड़ और पूर्णताल जो है वो अदर पे बना हुआ है, इसमें वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स के लिए छोड़ा गया है। एक विलेज में जाकर सेवन लेक्स पड़ता है, जो इस जगह को सात ताल बोला जाता है। गर्मी है यहाँ पे, तो जैसे सोच के आए थे ना कि बहुत ठंडा मौसम होगा, नैनीताल है ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई लोगों। हिमाचल के मौसम ठंडे हैं, यहाँ उत्तराखंड का मौसम गर्म है अभी। तो बाकी सांस फूल गई मेरी अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाली है। और अभी हम वापस जा रहे हैं, अब जा रहे हैं हम मुक्तेश्वर धाम मंदिर, वहाँ पे शिवलिंग है वाइट कलर का, वो देखने जा रही हूँ मैं मंदिर में। तो अभी मिलते हैं सीधा आपको वहीं पर। ये सारी नीचे नर्सरी, लोगों ने यहाँ पे गोभी लगा रखी है, आलू लगा रखे हैं भाई, बड़ी फसल कर रखी है नीचे ये सारा। अरे वो देखो, सामने किसी के घर में शादी हो रही है, बहुत सुंदर लग रहा है ये देखो। मौसम ठंडा है मुक्तेश्वर वाली साइड पर, बट यहाँ से अभी भी मुक्तेश्वर 20 किलोमीटर है, और बारिश शुरू हो चुकी है हल्की हल्की सी यहाँ पे। अच्छा लग रहा है यहाँ पे वेदर। नीचे नैनीताल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। उनके घर पे शादी लगी हुई है ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँ और उनके घर चली जाऊँ और उनके घर पे खा पी के आ जाऊँ, उत्तराखंड वाली धाम खा के आए, है ना। पर किसी के घर पे बिना बुलाए जाना यार अच्छा नहीं लगता। किस किसने करा है वैसे, जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं लोग उसमें से कुछ लोगों ने तो ऐसे करा ही होगा, किसी के घर पर बिना बताए चले जाओ शादी के, खा पू के आ जाओ। शहरों में हो सकता है, ऐसे गाँव में तो, गाँव में तो सबको पता होता है कौन। अगर गाँव में चले जाएँ तो गाँव में ऐसे पूछते हैं, ये कुछता है, रिश्तेदार है, कौन है, ऐसे नहीं पूछते, ये खुश है जी।
कुछ नहीं आई है बिट्टी, फिर लेडीज होएगी, फिर जाए उनकी साइड से बन जाओ जिनके घर पे शादी है। हम तो जी उनके 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 रिश्तेदार हैं, किसी ना किसी के तो होते ही होंगे कोई ना कोई रिश्तेदार। जब भी गाड़ी चलाओ ना पहाड़ों में तो यार प्लीज स्लो चलाओ गाड़ी। हमारा 2 बार बचा एक्सीडेंट होने से, बहुत खतरनाक वाला, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होने से बचा है सीरियसली। तो गाड़ी प्लीज़ काइंडली स्लो चलाएं, ये ना देखें कि रोड खाली है तो मतलब चले हुए, आगे से गाड़ी आ सकती। छोटे छोटे से रोड है और बिल्कुल छोटे से, पास के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पे। मज़ा आ रहा है बट यहाँ ऊपर मौसम ठंडा है तो मुझे यहाँ मज़ा आ रहा है। और बहुत सुंदर बनाया हुआ था उन्होंने, छोटू सा बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था लेकिन। और मुक्तेश्वर यहाँ से 7 किलोमीटर है, अब 15 मिनट में पहुँच जाएंगे यहाँ पे भी। और सब ठंडा हो रहा है और मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रील्स बनाऊँ उतना ही मेरे साथ पोपट हो जा रहा है क्योंकि नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ी देर हम वहाँ बैठे थे अभी स्नैक्स खाने के लिए, तो उनसे वाईफाई का पासवर्ड दिया है। और कहने का भाव मेरा ये है देवी और सज्जनों कि मैं पहुंच गई हूँ मुक्तेश्वर धाम। आड़ू छोटे छोटे बच्चे हैं, पन्नियों में डाल रखे हैं, पलम आड़ो और जा जो गाड़ी दिख रही है उनको आड़ू। पता कि पीछे से कितनी बार सुनती हुई आ गई, हर बार कैप्चर नहीं हो पा रहा था, इस बार कैप्चर हो गया। चलो जो भी है, बस ये अभी आपको दर्शन कराते हैं मुक्तेश्वर धाम के। टूरिंग टू जाम, हमारी गाड़ी 2 किलोमीटर पीछे लगी है और हमें पैदल जाना है 2 किलोमीटर पीछे। पता नहीं चला जाएगा कि नहीं, आदत नहीं है मुझे चलने की वैसे। इतनी सारी गाड़ियों को लगाया गया है यहाँ पे, जाम लगा हुआ है। मैंने ले लिया एक्टिवा, मज़ा आया भैया के साथ राइड करके, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बुरा हाल है यहाँ पे है, नाम से है चैनल NS1302 करके, प्लीज़ भैया को सपोर्ट करें, बिल्कुल सब्सक्राइब करें, जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं भैया को ज़रूर सपोर्ट करें यार, बहुत मेहनत का काम है देख लो, कहाँ से लेके आते हैं कहाँ छोड़ते हैं। तो अभी मैं आराम से फ्री होके आप लोगों से बात करती हूँ। मैंने वहाँ अभी मुक्तेश्वर धाम में मंदिर देखा, पहली बात तो पहले जब यहाँ से गए तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, बड़ा एक्साइटमेंट हूँ। और वहाँ पे पहले तो पुलिस वालों ने 2 किलोमीटर बोल के 5 किलोमीटर पीछे पार्किंग लगवा दी हमारी गाड़ी, पैदल गई मैं 5 किलोमीटर। ए भगवान मेरे, चलो भगवान की मर्जी है ना। उसके बाद फिर कहते अच्छा ऊपर पहुँच गए, जब मैं नीचे खड़ी थी तो देखा सीढ़ियाँ, फिर मुझे और कुछ होने लग गया, अच्छा जी चलो ठीक है, सीढ़ियों में बहुत लंबी लाइन और लाइन में 2 घंटे लग गए, चलो जी वो भी दर्शन कर लिए हमने। फिर उसके बाद गए हम चोली
जाली की चोली, चोली की जाली, कुछ ऐसी ऐसी जगह का नाम है, बोलने नहीं आ रहा। तो वहाँ पे थे मंकी बहुत ज्यादा, मैं वीडियो बना नहीं पाई वहाँ की, क्योंकि मैंने पर्स उसमें डाल दिया था पॉकेट में फोन। तो बड़ी अच्छी थी वो जगह भी कसम से, वहाँ पे भी इतनी पहाड़ में, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक वो लोग वो भी कर रहे थे, क्या बोलते हैं तो उसको, एडवेंचर सा, एक जिप लाइन वही। तो बड़ा मजा सा आया कसम से, है ना, ऐसे ग्लो आ रहा फेस पे हटा के। फिर उसके बाद क्या करा अब हमने, फिर वहां से पैदल चढ़ने की हिम्मत नहीं थी कसम से, मैं 5 किलोमीटर पैदल नहीं आ सकती थी भैया। फिर हमने कैब करी, कैब इन द सेंस कि मैंने करी एक्टिवा। फिर हम आए एक्टिवा में नीचे तक, पार्किंग तक। सो फिर उसके बाद अभी निकल गए हम नैनीताल के लिए, क्योंकि भीमताल तो देख लिया था, नैनीताल देखा नहीं, तो अभी नैनीताल जा रहे हैं। तो 5:30 हो गए हैं वैसे यहीं पे ही आज, अब देखते हैं नैनीताल जाएंगे, थोड़ा देखूं क्योंकि मैंने देखा नहीं है नैनीताल, उस चीज़ को करते हैं कवर, घूमते फिरते हैं थोड़ा सा, अब खाते पीते हैं कुछ और सुबह से। और यहाँ का पानी सच में बहुत ज़्यादा हल्का है, मतलब जो खा रहे हैं वो हजम हो जा रहा है जल्दी, डाइजेस्ट हो रहा है और जब मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है जैसे 15-20 मिनट के बाद जैसे भूख सी लगने लग जा रही है। और ऐसी वाली सिचुएशन मेरे साथ गोवा में हुई थी, जब मैं गोवा गई थी तब वहाँ पे भी ऐसे हो रहा था, जैसे 10 मिनट के बाद कुछ खा रहे थे ना तो जल्दी वो हो जा रहा था। और सबसे गंदा खाना मिला था मुझे श्रीनगर में, क्योंकि वहाँ पे तो चिकन मटन के नाम पे पता नहीं, मुझे सच्ची भगवान कसम उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, पता नहीं क्या खा लिया है मैंने। और जब मैं सेकंड टाइम गई थी वहाँ पे तब मुझे पता चला था कि हाँ नहीं, मतलब जो खाया था वो क्या था, पर चलो जो भी है टाइम निकल गया, वो जो हो गया जो हो गया। तो बाकी हम मिलते हैं आपसे नैनीताल में सीधा जा करके। नैनीताल तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ अभी, नैनीताल नहीं 6 किलोमीटर दूर है, और मैं सो गई थी गाइज, नींद आ गई थी, मेरी आंखें देख के देख सकते हो आप, मेरी आंखों में नींद भरी हुई है। अभी मैंने सो जाना था लेकिन पुलिस वालों ने गाड़ी रोक ली थी, रेदारी है, तो पुलिस वालों ने गाड़ी रोक ली थी, तो हमें फिर मैं, मेरी आंख थोड़ी सी खुल गई, बात बूत करी पुलिस वालों से, जाने जाने दिया उन्होंने। ऐसे यहाँ से पर्सनल गाड़ी अलाउड नहीं है, टैक्सियाँ जा सकती हैं सिर्फ ऊपर, तो पर चलती बहुत है मेरी, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रही हूँ पता चले मुझे कॉल मैसेज लग गया आप लोग करने की, जी हमें पुलिस ने रोक लिया छुड़वा दो, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, हेल्प करनी चाहिए सबकी, चलती बहुत है मेरी सिर्फ अपने आप पे, जोर नहीं मेरा किसी पे भी। तो कांटी के नहीं बनी के चलिए, देख रहे कितनी सुंदर बना रखी है यहाँ पे इन्होंने, बहुत सुंदर लग रही है साइकिल, बहुत ज्यादा डेकर बना रखा है इन्होंने। वो सामने पहुंच गए हम नैनीताल में, वो बहुत दूर है अभी, तो 2 किलोमीटर रहेगा, भैया जी यही बन जाओगे आर्मी वाले तुम। अरे नैनीताल पहुंचते ही इतना फास्ट ट्रैफिक मिल गया, मैंने ज़्यादा गाड़ी निकाली वहाँ। ये है माल रोड भाई, और ये रहा इधर लेक, बहुत सुंदर लग रहा भाई सच में, देखो ये है नैनीताल का ताल। ये माल रोड और सिर्फ मेरी गाड़ी जा रही है यहाँ पे प्राइवेट, हाँ टैक्सी के अलावा। अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टिंग टिंग टिंग, सारा ताल है भाई सब, बहुत स्मेली पानी है, बट बहुत ज़्यादा स्मेल मार रहा पानी, बहुत ज़्यादा।
को पोस्ट बॉक्स दिखाया, अभी उसको डस्टबिन बना रखा है यहाँ पे इन लोगों ने सीरियल। सो अभी खाना खुना खा करके टैक्सी वाले ने छोड़ दिया पार्किंग पे और हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में और निकल चुके हैं यहाँ से भीमताल के लिए, क्योंकि रूम जो हमारा है वो है भीमताल में, है ना। और यहाँ पे तो हम घूमने आए थे पर मज़ा आया, मैंने करी है बहुत सारी शॉपिंग, वो मैं दिखाऊंगी आपको रूम में जाके कि मैंने लिया क्या क्या आज, है ना। अब मैंने ये चीज़ भी कर दी है क्योंकि हर ट्रिप पे जाती हूँ, आप सबको पता है कुछ ना कुछ मैं लेती हूँ कहीं भी जाऊँ चाहे, है ना, एक जगह पे चाहे 10 बार जाऊँ तब भी मुझे होता है कि मैं कुछ ले लूँ। तो आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है तो मैं वो आपको रूम में जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया इस बार। एंड और क्या कहने वाली थी मैं आपको कि माल रोड अभी खुल गया और जब मैं पहुंची थी तो बोटिंग बंद थी, नहीं तो मैं बोटिंग भी करती ज़रूर। खाना खा लिया और अल्टीमेट मतलब मटन खाया, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मुझे बहुत टेस्टी लगा। कल भी मैंने जब मटन खाया था यहाँ पे तब भी बहुत टेस्टी था, आज भी बहुत टेस्टी है था, मतलब बहुत मज़ा आया मुझे। और टूटल्स मैंने पैक करा लिए कि अगर बाई चांस रात को अगर भूख लगती है तो हम लोग नूडल्स खा लेंगे। एंड अभी आपको माल रोड दिखाती हूँ मैं, फिर से माल रोड में एंट्री कर रही हूँ मैं इस टाइम पे, मज़ेदार सी एंट्री हो रही है भाई। जब मैं आई थी तब तो VIP एंट्री मैंने करी थी एंड इस टाइम पे भी एंट्री में VIP समझ लो। टैक्सीज के अलावा और कोई गाड़ियाँ नहीं है इधर जो माल रोड पे एंटर हो सके। हम इतना धना चल दे, बोला ना मैंने आपको, चलती बहुत है मेरी, बनती बहुत है सब जगह, किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी तो पक्का बताना। गाड़ी आ गई तो क्या होगा, पकड़ लेगा वो तो ऐसे रहे। साहब जी गाड़ी आ गई, अब देखो ये नाइट का है, इस टाइम पे टाइम बज रहा है 11 और ये रात को माल रोड का व्यू है भाई लोगों। शिमला में 9:30 बजे के बाद माल रोड बंद हो जाता है, मसूरी में भी 9:30-10 बजे तक बंद हो जाता है। ये माल रोड मैंने ऐसा देखा है जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा माल रोड है ये। और लोग देख लो पूरा घूम रहे हैं,